जय 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 शीतला भवानी, जय जग जननी सकल गुड़खानी। गृह गृह शक्ति तुम्हारी राजति, पूर्ण शरद चंद्र सम साजति। विस्फोटक से जलत शरीरा, शीतल करत हरत सब पीरा। मातु शीतला तब तु शुभ नाम, सबके गाढ़े आ वही काम। जय शीतला माँ। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता शीतला का पूजन हमें कब करना चाहिए और इस व्रत को करने के क्या नियम हैं और व्रत में क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके बाद जो बेल का निशान आएगा उसे प्रेस करना बहुत आवश्यक है, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि शीतला सप्तमी का व्रत हमें कब करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी दे दूं कि इसे सप्तमी व्रत कहा जाता है या फिर अष्टमी, तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं इसे सप्तमी के नाम से बुलाते हैं या फिर कहीं कहीं इसे शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं बसोरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बासी ठंडा भोजन माँ को अर्पित किया जाता है, इसलिए बसोरा के नाम से भी कहीं कहीं लोग इसे जानते हैं। तो आप पूजा कभी भी करें, सप्तमी तिथि को करें अथवा अष्टमी तिथि को करें, लेकिन जो पूजन करने का विधान है वह एक ही होता है और एक ही माता यानी कि माता शीतला का इस दिन पूजन अर्चन किया जाता है। तो ये तो मान्यता हो गई कि पूजा में मतलब सप्तमी तिथि को करना है या अष्टमी को या फिर आपको कब करना है। तो ये यदि हम हिंदी महीने से जाने तो चैत मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन ये किया जाता है और वर्ष 2020 में 16 मार्च दिन सोमवार के दिन यह व्रत किया जाएगा। यानी जो महिलाएं होती हैं सप्तमी तिथि का व्रत रखती हैं और अष्टमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता का पूजन करती हैं और उन्हें ठंडा भोजन अर्पित करती हैं। और इस तरीके से लगातार 4 महीने यानी चैत मास से प्रारंभ होकर 4 महीने यह व्रत किया जाता है कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का ही, और फिर आषाढ़ मास में कहीं कहीं सावन मास में इसका उद्यापन यानी कि जब व्रत संपूर्ण हो जाता है 4 महीना तब किया जाता है। जो महिलाएं सावन में करती हैं वह 1 महीने का, जैसे बहुत सारे लोग ज्येष्ठ मास का सप्तमी छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं और फिर सावन में रखते हैं, या फिर लगातार ही लोग रखते हैं। अपने अपने परिवार या अपने देश की परंपरा के अनुसार यह व्रत किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो इस तरीके से आप यह व्रत इसी चैत मास से प्रारंभ किया जाता है। तो इस व्रत को करने का बहुत ज्यादा नियम नहीं है, सिर्फ एक नियम आपको ध्यान रखना है कि इस दिन गर्म और तेज यानी कि आपको आंच पर बनी हुई भोजन सामग्री ना ही माँ को अर्पित करनी होती है और ना ही स्वयं ग्रहण करना होता है। सभी चीजें हमें ठंडी चीजें सेवन करनी होती है और ठंडी ही माँ को भोग लगाना चाहिए। जैसे कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा, जब आप माता की कथा सुनेंगे, कथा मैंने आपको दी है, आप वह चेकआउट करें। पूजा की सामग्री में क्या क्या चीजें आपको होनी चाहिए वो भी मैंने आपको जानकारी दी है, तो ये दोनों वीडियो आप अवश्य चेकआउट करें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अवश्य दे देंगे। और दोस्तों, पूजा करने का जो विधान है वह सूक्ष्म विधि हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे और आप घर में पूजा, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन भी हमारे पास आए थे तो उनका आंसर भी हम देना चाहेंगे। तो बहुत सारे महिलाओं ने पूछा था कि हम पूजा कहाँ पे करें, घर पे करें या फिर मंदिर में करें। बहुत सारे लोग वृक्षों की पूजा करने के लिए भी कहते हैं। तो दोस्तों, माता शीतला का जो निवास होता है वह नीम के वृक्ष के ऊपर होता है, तो इसलिए हम नीम के वृक्ष की पूजन करते हैं। वैसे भी हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार हम समय समय पर प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति का पूजन करने से हमारे वातावरण में शुद्धि होती है और हमारे जो जनजीवन है वह प्रकृति पे ही निर्भर होता है। इस वजह से समय समय पर हम वृक्षों की, पेड़ पौधों की पूजन करते हैं। जैसे कि कार्तिक मास में हम आंवले का पूजन करते हैं और पीपल के वृक्ष का पूजन करते हैं, बरगद के वृक्ष का पूजन करते हैं। तो जो ये प्रमुख वृक्ष होते हैं इनका पूजन करने का विधान बताया गया है हमारे सनातन धर्म में।
तो इस वजह से आप नीम के वृक्ष का पूजन करें। जैसे अभी बहुत सारे लोग ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पे उन्हें नीम का वृक्ष नहीं मिलता है, वैसे जहाँ भी माता का मंदिर होता है ज्यादातर आपको नीम का वृक्ष मिल जाएगा। तो इस दिन नीम के वृक्ष में जल सींचने से, उनकी परिक्रमा करने से बहुत ही लाभ होता है, इसलिए किया जाता है। दोस्तों यदि आपको नीम का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप एक दो दिन पहले ही लाके आप अपने घर में गमले में लगा सकते हैं। वैसे तो जो बड़े वृक्ष होते हैं उन्हीं के पूजन करने का विधान है, लेकिन अभी मजबूरी में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप छोटा वृक्ष आप नीम नर्सरी से जाके ले आए और अपने गमले में उसे रोपे और उसका पूजन अर्चन करके कुछ दिनों उसकी सेवा करें। यानी कि जब ये आपका 4 महीना लगातार बीत जाए उसके बाद जब आप पूजा का उद्यापन कर लेते हैं तब आप वो वृक्ष किसी पब्लिक प्लेस में, कहीं पार्क में, कहीं स्कूल में या फिर कहीं आप उसे मंदिर में जाके वहां पे गमले से निकाल के उसे जमीन पर लगा दे, जिससे वो फले फूले और अन्य लोग उस वृक्ष की पूजा करें। इससे भी बहुत ही आपको लाभ मिल सकता है, तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों रही बात जैसे पूजा के लिए मैंने बताया, तो आप अपने घर के आसपास जो मंदिर है वहां कर ले, नहीं तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। माता के चित्र यानी कि जो प्रतिमा है माँ की, उसे आप रखें और वहीं पे माँ का पूजन करें। और माता के पूजन में क्या नियम है वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों इन जो शीतला माता है वह शीतलता प्रदान करती हैं, आरोग्यता के लिए हम माता का पूजन करते हैं, तो इसलिए आप अपने घर परिवार के, अपने समाज की सुरक्षा के लिए माता का पूजन करें और उनसे कामना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे परिवार, समाज, देश की रक्षा हो। क्योंकि जो भयानक बीमारियां होती हैं इन्हीं के आरोग्यता के लिए हम माता का पूजन करते हैं। जैसे पहले समय में बहुत सारी ऐसी समय समय पर महामारी आती रहती है, खसरा है, चेचक है, तपेदिक है, हैजा जैसी महामारी से हम जो है लड़ नहीं सकते हैं, तो हम माता की आराधना करते हैं। तो लेकिन अभी हमारे जो साइंस है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, इसने तरक्की करी है, तो वो टीका भी, इसका सभी चीजों का टीका भी आता है। इसलिए जब बच्चे पैदा होते हैं तो आपने देखा होगा समय समय पर इन सभी बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण भी होता है। लेकिन टीका के साथ में हम ईश्वर की आराधना वंदना करना तो नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हम करते हैं। जैसे अभी हमारे पूरे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, यह भी उसी प्रकार की एक महामारी ही है, क्योंकि ये जो अभी सर्दियों का मौसम जाता है और गर्मियों का मौसम आता है, तो ये मौसम के बदलाव से बहुत सारे जीवाणु विषाणु हमारे वातावरण में फैले होते हैं, प्रकृति में फैले होते हैं और वही हमें हानि पहुंचाते हैं। तो इसलिए हम माता शीतला का पूजन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसी महामारी से हमारा बचाव हो, हमारे समाज का बचाव हो और हमारे राष्ट्र का बचाव हो। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप शीतला माता का पूजन करें। और तो अभी इस समय तो बहुत ही आवश्यक है माता शीतला के आशीर्वाद की, तो इसलिए आप पूरे श्रद्धा से माता शीतला से प्रार्थना अवश्य करें कि जो हमारे भारत में और हमारे अन्य देशों में, जैसे कि चीन में और अन्य देशों में ये वायरस फैला हुआ है, इससे हमें जल्द से जल्द निजात मिले। और दोस्तों इससे बचाव आप स्वयं करें और अपने परिवार के लोगों को भी सफाई का और भी चीजों का आप बिल्कुल आप ध्यान रखें, जिससे हम इससे बचे रहें। और दोस्तों पूजा के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अग्नि का स्पर्श करना नहीं चाहिए। आपको स्वयं जो भी व्रत रखता है, जैसे अभी पहले तो पूरे दिन आपके घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता था, यानी कि हम जो बनाते थे वही सारे परिवार के लोग सदस्य भोजन करते थे, लेकिन अभी समय के हिसाब से बदलाव आ गया है तो ऐसा नहीं संभव हो पाता है। तो जो महिला व्रत रखती है उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए, यानी उस दिन आपको ताजा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, सभी चीजें आपको ठंडी यानी आप बना के रख लें और उसके बाद आप उस ठंडी चीजों का सेवन करें, पूजा के बाद ऐसा माना जाता है, पूजन के बाद तो आप सेवन करें। और दोस्तों माता का जो भोजन होता है वह भी हम एक दिन पहले से, यानी कि जो सप्तमी तिथि के जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन संध्या के समय ही बना के रख लेते हैं रात्रि में, और दूसरे दिन हम माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं, वो अर्पित करते हैं। तो उसमें आप अपने परिवार के हिसाब से जैसे हलवा, पूरी, भीगे हुए चने और दही, ये सभी का हम प्रसाद लगाते हैं, बताशे रखते हैं उसमें,
और दोस्तों इस दिन स्नान करते समय आपको स्नान वाले जल में नीम के पत्तियों का जरूर प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आप माता शीतला की प्रतिमा को देखें तो जिसमें माँ शीतला की जो सवारी है वो गधे की सवारी है और माता के चारों हाथों में अलग अलग चीजें उन्होंने ली हुई हैं, जिसमें से एक में उन्होंने जल लिया हुआ है, पात्र कलश लिया है, और एक हाथ में उन्होंने नीम के पत्ते लिए हुए हैं और एक हाथ में झाड़ू है और एक हाथ में सूप है। तो नीम के पत्तों से भी हमारी सुरक्षा होती है। नीम के पत्तों में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हमारे कीटाणु विषाणु को मारने में सक्षम होते हैं, तो इसलिए आपको नीम के पत्तों का सेवन स्नान के जल में अवश्य करना चाहिए। इससे हमें आरोग्यता प्रदान होती है और झाड़ू से हम साफ सफाई करते हैं तो भी साफ सफाई से भी हमारे वातावरण स्वच्छ होते हैं और सूप से भी हमारे अनाज जो हम भोजन सेवन करते हैं उसकी सफाई की जाती है। तो इसलिए ये माता दर्शाती है कि ये सभी चीजें हमारे घर के लिए प्रमुख होती है। और जल से भरा पात्र, दोस्तों इस दिन कुंभ स्थापित करने का भी बहुत बड़ा विधान होता है, तो आप अपने घर में अपने मंदिर में एक कुंभ स्थापित करें। कुंभ का मतलब होता है जल से भरा पात्र, जिसे कलश आम भाषा में कहा जाता है। तो कलश आप स्थापित करें अपने घर के ब्रह्म स्थान पे, यानी कि बीचो बीच में आपको स्थापित करना है। जैसे घर में आंगन वगैरह होता है वहां पे स्थापित करते हैं, नहीं तो आप प्रमुख द्वार पर भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा ना करके आप अपने घर के मंदिर में भी एक कलश स्थापित अवश्य करें और इसमें पंचपल्लव वगैरह आप लगा दें। लेकिन ध्यान रखें कि दीपक का प्रयोग नहीं करना है। हम पूजा में भी इस दिन दीपक नहीं जलाते, ना ही हमें धूप बत्ती जलानी होती है, ना दीपक प्रज्वलित करना होता है और ना ही हम कपूर की आरती करते हैं, ना ही हवन करते हैं। ये सभी चीजें निषेध मानी जाती हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी कहीं अग्नि का प्रयोग ना करें। और कलश के ऊपर आप नारियल रख सकते हैं, लेकिन अष्टमी तिथि के दिन नारियल तोड़ना मना होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरे दिन आप जैसे जब भी आप पूजा करें, चाहे सप्तमी के दिन कलश रखें, अष्टमी को आप जो है उसका जो जल है आप अपने घर के गमले में या आपके घर के आसपास नीम का वृक्ष है तो वहां पे भी उसे सींच सकते हैं उस जल से, और अष्टमी को रख रहे हैं तो नवमी को कर सकते हैं। तो ये आप जिस दिन करें उसके दूसरे दिन करने का विधान बताया जाता है। और दोस्तों हम जो माता का आरती करते हैं वह आरती करने के लिए फूलों से आरती की जाती है माँ की, और जो माँ के लिए हम अग्यारी करते हैं जिसे हवन भी कहा जाता है, तो गुड़ और घी को एक साथ मिक्स करके एक लोटे यानी पात्र में जल भरते हैं और उसके अंदर माँ के मंत्रों से हम अग्यारी करते हैं सात बारी। इस तरह से माँ का पूजन किया जाता है और माँ को पुष्प अक्षत और उन्हें नवेद में ये सभी ठंडे और ऋतु फल उन्हें हम अर्पित करते हैं। और ऐपन का प्रयोग किया जाता है, तो ऐपन बनाने की विधि हमने आपको लास्ट ईयर दी थी जिसमें ऐपन प्रॉपर तरीके से मैंने बताया है बनाना। जिसके लिए आपको एक पात्र में चावल भिगोना चाहिए, 2 से 3 चम्मच आप चावल भिगो लें, उसके बाद उसे सिलबट्टे या मिक्सर में पीस लें और उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दें, तो इस तरह से एक पेस्ट तैयार हो जाता है जिसे ऐपन कहा जाता है। तो इसी ऐपन का छापा मारा जाता है दीवारों पर और फिर इस पे टीका सिंदूर का लगाया जाता है। और माता की प्रतिमा यदि आपके पास नहीं है, जैसे पहले जमाने में माता की प्रतिमाएं नहीं होती थी, तो महिलाएं दीवार पर माता का चित्र बनाकर माता शीतला का ध्यान करते हुए पूजन करती थी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों पूजा भावना जो होती भावना से होती है, दिल से होती है। आप माँ को आदर दें, उन्हें सम्मान दें, उनके नियमों का पालन करें जो उनके व्रत में बताई गई हैं। तो यही पूजा होता है, पूरी श्रद्धा से यदि हम करते हैं तो माँ हमेशा प्रसन्न होती हैं। और ये सभी चीजें जो हम करते हैं, हमारी जो पारंपरिक चीजें हैं, हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ या हमारी सासू माँ जो करती थी, आपको अपनी नई जनरेशन को जरूर बताना चाहिए उसके रीजन के साथ में। जैसे अभी समय का बदलाव होने के कारण सभी लोग उसका रीजन पूछते हैं कि हमें क्यों करना चाहिए, इसका कारण क्या है, इसको करने से क्या होता है, बहुत सारे सवाल आजकल के बच्चे भी करते हैं। तो आपको उन्हें बिल्कुल समझाना चाहिए कि ये सभी चीजें हमारे पारंपरिक है और इसको करने से हमें क्या लाभ मिलता है। हमारे बच्चों को भी समझाना चाहिए, इसलिए उस दिन आप टिफिन में ताजे भोजन उन्हें ना दें, जो आपने प्रसाद के लिए बनाया है वह चीजें आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे आपको देखेंगे तो वो भी उस चीज को ग्रहण करते हैं, वो उस चीज को अपनाते हैं। तो इसी से हमारे जो सनातन धर्म की संस्कृति है
वह आगे बढ़ती है और उन नियमों का पालन बच्चे भी करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी छोटी छोटी कि क्या हमें करना चाहिए। और जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें इस व्रत में क्या खाना पीना चाहिए, तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने बताया कि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ नमक का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है शुगर पेशेंट है जो मीठा आहार नहीं ले सकते हैं तो आप सीधा नमक का सेवन कर सकते हैं। और ज्यादा दिन भर आपको नहीं भोजन करना होता है जैसे किसी भी व्रत में, तो आप समय पे एक दो बारी जो भी आप फलाहार ग्रहण करना चाहें, आप फलों का जूस ले सकते हैं और ठंडी चीजें आप ले, दही का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यह सभी कार्य करें और माता शीतला से प्रार्थना अवश्य करें, जो हमारे देश में हमारा पूरा देश परेशान है कोरोना वायरस से, और ये भी एक प्रकार का वायरस है जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता और हमें अनजाने में ही हमारे छींक द्वारा हमारे सांसों में आ जाता है और हमें परेशान करता है और एक दूसरे के मतलब संपर्क में बहुत जल्द आता है। तो इसलिए हमें बहुत ही तल्लीनता से माता का आराधना करना है, उनका प्रार्थना करना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि माता शीतला का व्रत हम क्यों करते हैं और क्या क्या इस व्रत करने के नियम हैं। तो आप पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करें और माता शीतला का आशीर्वाद प्रदान करें। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।